को लेकर के आज महामंथन होगा। चंडीगढ़ में कमेटी की पहली बैठक होगी। बड़ी खबर, अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक होगी। बीजेपी जेजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर मंथन होगा, जिसमें कर्णपाल गुर्जर ओपी धनखड़ शिरकत करेंगे बीजेपी की तरफ से, तो वहीं जेजेपी के अनूप धानक राजदीप फोगाट मौजूद होंगे। बीजेपी जेजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर आज मंथन होना है। कमेटी के सभी सदस्य यहां पर बैठक करेंगे। हरियाणा निवास पर होने वाली इस बैठक में तमाम जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के अलावा जेजेपी नेता और राज्य मंत्री अनूप धानक और राजदीप फोगाट बैठक में विचार विमर्श करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी जेजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा होगी, साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर के प्रदेश में योजनाएं लागू की जाएंगी। वित्तीय आधार को भी जांचा जाएगा घोषणाओं की, और इसीलिए वित्त विभाग के अधिकारी भी यहां पर मौजूद होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी जेजेपी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के मंथन होगा। तो कुछ देर में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के अहम बैठक होने जा रही है। कमेटी का गठन अनिल विज की अध्यक्षता में किया गया था और आखिरकार कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में तमाम सदस्य आज बैठेंगे, मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो महामंथन का दौर चलेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के महामंथन, जिसमें देखा जाएगा सबसे पहले तो बीजेपी और जेजेपी की जो चुनावी वादे हैं उनमें समानता आखिर कौन सी वादों में, उनको चिन्हित किया जाएगा। प्राथमिकताएं सरकार तय करेंगी कि कौन से वादे सबसे पहले पूरे होंगे, उसमें वित्तीय स्थितियां क्या होंगी, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी। और साथ ही साथ विस्तार से बातचीत और विचार विमर्श होगा। अनिल विज की अध्यक्षता में कमेटी बैठेगी और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर इस वक्त आपके पास? कुछ देर में ही बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, यानी कि गृहमंत्री अनिल विज वो सचिवालय पहुंच चुके हैं। और इसी के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं की बात करें, यानी कि कंवरपाल गुर्जर और ओपी धनखड़, वो भी सचिवालय जो है वो पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देरी के बाद जो है ये बैठक शुरू होगी, जिसमें की न्यूनतम समझौता कार्यक्रम के तहत क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी, भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि आप जब गठबंधन की सरकार लेकर चलते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें आप पहले ही क्लियर करना चाहते हैं प्रदेश की जनता के सामने। इसीलिए मिनिमम अगर बात करें कहीं ना कहीं न्यूनतम समझौता कार्यक्रम के तहत है, तो इसकी जो क्योंकि जो घोषणाएं हैं, चुनावी घोषणाएं जो हैं, उनको किस तरह से आप इंप्लीमेंट करेंगे, कौन कौन सी प्राथमिकता में घोषणाएं जो हैं वो रहेंगी, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और साझा मंच पर जो है दोनों दल, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में अपने इस न्यूनतम समझौता कार्यक्रम के तहत जो है एक रणनीति बनाएंगे कि हाँ इन घोषणाओं को जो है, जो चुनावी घोषणाएं, इनको प्राथमिकता के साथ जो है हम टेकअप करेंगे, इनको लागू किया जाए। जी विपिन, दोनों दलों के नेता जो है वो कमेटी है वो बैठेगी और आखिरकार अब इसमें किस तरह से आगे प्राथमिकताएं तय होंगी इसको लेकर के विचार विमर्श होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक होगी। हम आपको बता दें कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के महामंथन तो चलिए आगे।